प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको अपना तो ख्याल रखना ही पड़ता है, इसके साथ साथ होने वाले बच्चे का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस ऐसी कंडीशन में ज़रूरी ये है कि सबसे पहले अपने डाइट पर ख्याल रखा जाए, यानी कि अपने खुराक पर ख्याल रखा जाए। अगर हम सही डाइट नहीं लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आप पर तो पड़ेगा लेकिन आपके होने वाले बच्चे पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि उस फूड का इस्तेमाल किया जाए जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में एक बेहतर रोल प्ले करता है, और उन फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए जो कि ख़तरनाक हो सकता है बच्चे के वेलबींग के लिए। और बच्चे के डेवलपमेंट में अगर ये किसी किस्म का बाधा डालता है तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि उन फूड्स को अवॉइड किया जाए। ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस YouTube पर मिल जाएंगे जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपको अपने पहले ट्रिमेस्टर में, सेकेंड ट्रिमेस्टर में और थर्ड ट्रिमेस्टर में आपको क्या खाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है फिश और सी फूड का। अब आप बोलोगे कि बहुत से लोग तो ये बताते हैं कि आपको फिश खाना चाहिए, सी फूड आपको खाना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो मैं बात कर रहा हूँ उन फिशेज की जो कि लार्ज फिश में शामिल होती है, जैसे कि टूना, शार्क, स्वॉर्ड फिश, वैली और मैरलिन। ये वो फिशेज हैं जिसमें अच्छी खासी मात्रा में मर्क्यूरी पाया जाता है। ये मर्क्यूरी आपके होने वाले बच्चे के नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इसलिए आपको इन फिशेज को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो कैन ट्यूना आता है उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी लो लेवल में, हालांकि कम मात्रा में होती है मर्क्यूरी, लेकिन इसमें मर्क्यूरी शामिल होती है, इसलिए कैन टूना को भी आपको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फिश का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम करता है, तो आप क्लीन वाटर फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कतला या फिर रोहू वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फिशेज में ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काम आती है। तो आप फिश का इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर लार्ज फिश जो होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका इस्तेमाल ना करें। जो दूसरी फूड है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और वो है ब्रिंजल, जिसे हम एक प्लांट भी कहते हैं। इसे भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ही अवॉइड करना है। रीज़न ये है कि इसका इस्तेमाल आम तौर पर एमेनोरिया और प्री मेंस्ट्रुअल ऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान में इस फूड का इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़ आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए वो है सीसम सीड। अर्ली डेज में, यानी कि पुराने दिनों में, सीसम सीड का इस्तेमाल अबॉर्शन के लिए किया जाता था, इसलिए इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जो दूसरी फूड है वो है पपाया। जी हाँ, पपाया यानी कि पपीता। आपको इस कंडीशन में, प्रेगनेंसी के दौरान में, पपीते का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पपीते में एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम लैटेक्स कहते हैं, जो कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा दे सकती और जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। आपके बच्चे की ग्रोथ होना हो सकता है कि रुक जाए, इसलिए पपाया, रॉ पपाया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें ऐसी स्थिति में। इसके अलावा पाइनएप्पल का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि मिसकैरेज भी करवा सकता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं पाइनएप्पल का, तो ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट अप कर सकता है और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी क्रिएट कर सकता है, जिसे हम प्री मैच्योर प्रेगनेंसी भी कहते हैं, इसलिए भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको
ग्रेप्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जी हाँ, ग्रेप्स में एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे रिस्वेरेट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये प्रेग्नेंट वीमेन के हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन फूड्स का आपको इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।